जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। मदनी ने बयान देते हुए कहा कि भारत जितना मोदी और भागवत का है उतना ही महमूद मदनी का भी है। इसके अलावा मदनी ने यह भी कहा कि इस्लाम सारे धर्मों में सबसे पुराना है, वतन जितना मोहन भागवत का उतना ही महमूद मदनी का भी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम भारत के बाहर से नहीं आया है। तो महमूद मदनी ने एक बार फिर से ये उकसावे वाला बयान दिया जिसमें वो ये कहते हैं कि भारत जितना मोदी भागवत का उतना मदनी का भी है। तो मौलाना महमूद मदनी के बयान का मतलब आप इन तस्वीरों से समझिए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वहीं मौलाना मदनी कहते हैं कि देश जितना मोदी और भागवत का है उतना ही उनका भी है। मौलाना मदनी ने अपने भाषण से बता दिया कि उन्हें अदालतों पर एतबार नहीं है। उन्होंने देश की चुनी हुई सरकार पर भी सवाल उठाए। तो इन चार तस्वीरों के जरिए आपको उनके बयान के मायने हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में 34वां अधिवेशन दरअसल शुरू हुआ है और इस दौरान जमीयत अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने एक बार फिर इस्लामोफोबिया का राग अलापा। मदनी ने इशारों इशारों में केंद्र और राज्य सरकारों को निशाने पर भी ले लिया। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही ये देश महमूद का भी है। के अदालतें रियासत के दबाव में काम कर रही हैं, कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद का महाधिवेशन वैसे तो कई मसलों पर चर्चा के लिए बुलाया गया, लेकिन बात सबसे ज्यादा हुई इस्लामोफोबिया की, मोदी सरकार के खिलाफ ध्रुवीकरण की, अदालतों के फैसलों की और मीडिया की भूमिका की। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने यह साबित करने की कोशिश की कि इस देश में नफरत का माहौल है। आज हमारा मुल्क नफरत और मजहबी तासुब की जद में है। नौजवानों को तामीरी कामों में लगाने के बजाय तखरीब का आलेकार बनाया जा रहा है। मीडिया इश्तेआल फैलाने का सबसे बड़ा हरबा बन गया है। हालांकि मदनी ने माना कि मुस्लिम युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़काया जा रहा, लेकिन ये भी आरोप लगाया कि आतंकवाद के नाम पर बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है। हम उम्मत के नौजवानों, तलबा की तंजीमों को खास तौर से मुतनब्बह करते हैं कि वह अंदरूनी और बैरूनी वतन दुश्मन अनासिर के, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दुश्मनों के बराह रास्त निशाने पर है। उन्हें मायूस करने, होपलेस करने, भड़काने और गुमराह करने का हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। मदनी अभी भी यकीन दिलाते नजर आए कि ये देश सबका है और सबके लिए है, इशारों में ही सही, लेकिन ये भी कह दिया कि ये देश जितना मोदी का है, भागवत का है, उतना ही महमूद का भी। भारत हमारा वतन, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी का, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही ये वतन महमूद का भी है। मदनी ने इस्लाम को सबसे पुराना धर्म बताया और कहा कि ये कहना गलत है कि इस्लाम बाहर से आया है, बल्कि ये इसी देश का धर्म है। साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए, यह धरती इस्लाम की जाय पैदाइश है, यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है। भारत को रहने के लिए सबसे मुफीद बताया, लेकिन साथ ही सरकार और सिस्टम पर भी सवाल उठाया, निशाने पर लोकतंत्र के चारों स्तंभ भी रहे। कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है, लेकिन साथ ही इस हकीकत का इदराक भी जरूरी है कि अपने ही वतन में रहने का भी एक निजाम और सिस्टम है। अगर वो निजाम दुरुस्त है तो इस मुल्क के बाशिंदों के लिए रहना आसान होगा, और वो निजाम बिगड़ जाएगा
तो शहरियों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। मदनी के निशाने पर देश की अदालतें और सुप्रीम कोर्ट भी रहीं। बाबरी मस्जिद और तीन तलाक जैसे फैसलों पर मदनी को एतबार नहीं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा वगैरह पर और भी बहुत सारे हैं, ये दो का जिक्र मैं करके वगैरह पर फैसलों के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें रियासत के दबाव में काम कर रही हैं। धर्म परिवर्तन पर बने कानून भी मदनी को रास नहीं आए। एक तरफ से उन्होंने धर्म परिवर्तन कराने वाले को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। मुतअद्दिद रियासतों के जरिए मजहबी तब्दीली के खिलाफ कानून साजी का मकसद मजहबी आज़ादी जैसे बुनियादी हक को नुकसान पहुंचाना और उसकी आड़ में अकलियतों को निशाना बनाना है। इन कवानीन की जबान इस कदर मुबहम है कि वो खुद मजहबी आज़ादी के लिए संगीन चैलेंज है जो आईन हिंद का बुनियादी हिस्सा है। ज़बरदस्ती, धोखा दही और लालच के जरिए किसी का मजहब तब्दील कराने के हम भी मुखालिफ हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो लोग हकीकी तौर पर सच्चे दिल से मजहब बदलते या बदलवाते हैं उनके खिलाफ भी ज़बरदस्ती, धोखा दही और लालच का गलत इल्ज़ाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मदनी की तकरीर महाधिवेशन के आखिरी दिन तक भी चलती रहेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि चर्चा परिचर्चा से अलग उनका ज्यादा फोकस इस बात पर ही रहेगा कि इस देश में सब कुछ ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मौलाना मदनी के बयान को सुनाएंगे। दो ही बयान कल दिए गए और एक तरफ वित्त मंत्री किसी से भेदभाव नहीं करने की बात करती हैं, तो मौलाना मदनी सरकार पर अविश्वास जताते हैं। भारत हमारा वतन, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी का, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। भारत हमारा देश है, जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे एक इंच आगे है और न वो महमूद से एक इंच आगे है। बजट में एलोकेशन के कारण हम एक कम्युनिटी के नफरत कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये नाटक करने वाले इसे, यही है जवाब मेरा। और मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, वित्त मंत्री ने क्या कहा वो सुनाया। प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन मोहन भागवत ने अभी हाल ही में कहा ना कि अगर देश की तरक्की करनी है, विकास करना है, तो सबको साथ मिलकर चलना होगा क्योंकि सबका योगदान जरूरी है। बिल्कुल, देखिए महमूद मदनी जो कह रहे थे वो पहली बार नहीं कह रहे थे। बीते 9 सालों में आप देखिए कि जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है वो लगातार इस तरह के बयान देते रहे हैं कि देश में मुसलमान खतरे में हैं, मुसलमानों के लिए स्वतंत्रता नहीं है। और कल के आप पूरे बयान को जो आपने दर्शकों को दिखाया, देखिए सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जाता रहा है, जो नारा आपने वित्त मंत्री का भी सुनाया कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ सरकार काम कर रही है। आप देखिए पिछले सप्ताह ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने क्या बयान दिया था कि भारत में कानून का राज है, इसलिए भारत तरक्की कर रहा है, भारत में सभी को समान अधिकार है। और आप देखिए मौलाना महमूद मदनी क्या कह रहे हैं, वो देश की अदालतों पर सवाल उठा रहे हैं, वो देश के कानून पर सवाल उठा रहे हैं, वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो कुल मिला के उनका जो पूरा भाषण था कल का, वो सियासी ज्यादा लग रहा है। उसमें वो एक तरह से मुसलमानों को कहें कि डराने की जो भावना है और केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरह से माहौल बनाया जाता रहा है पहले, उसी तरह का जो है कल मायने कल के उनके बयान से, भाषण से भी निकाले जा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने एक एक करके कानून पर सवाल उठाए, उन्होंने अदालत पर सवाल उठाए, उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए और उन्होंने ये मुसलमानों को ये बताने की कोशिश की कि देखिए इस देश का सबसे पुराना जो धर्म है वो मुस्लिम धर्म है और इस्लाम पहले यहाँ आया था। तो आप कुल मिला के कह सकती हैं कि ये सियासी भाषण ज्यादा था जिसमें एक सरकार को घेरने की अधिवेशन में बोल रहे थे। अधिवेशन का उद्देश्य क्या होता है ये हम सब जानते हैं, उसमें आप किस तरह का भाषण देते हैं, उसके मायने क्या हो सकते हैं, ये भी अब सबको समझ में आता है। क्योंकि सबसे आसान अब ये हो गया है मुस्लिम धर्म गुरुओं के लिए कि वो मुसलमानों को लेकर इस तरह की बयानबाजी करें ताकि माहौल पर असर पड़े। धन्यवाद आपका ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम मुंबई में बोहरा समाज के सैफी एकेडमी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। बोहरा समाज की तारीफ करते हुए पीएम ने इससे अपने जुड़ाव का जिक्र भी किया। आप सभी के बीच आना मेरे लिए परिवार में आने जैसा होता है। मेरी एक शिकायत है और मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार कीजिए। आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं, और शायद मुझे जो सौभाग्य मिला है वो बहुत कम लोगों को मिला है। मैं चार पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़ा हूं, चार पीढ़ी। प्रधानमंत्री के ये बोल उस बोहरा समाज को लेकर हैं, जिसके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो शुक्रवार को मुंबई गए थे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने बोहरा समाज के अल जामिया तुस सैफिया कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम ने बोहरा समाज की जमकर तारीफ की और कहा कि बदलते वक्त के साथ इसने हमेशा खुद को साबित किया है।